वहीं फतेहाबाद में डीएपी खाद को लेकर अब किसान सड़कों पर आ गए हैं। फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर किसानों ने जाम लगा दिया। लगातार खाद का संकट है और इसी को लेकर किसानों ने कहा कि हमारी गेहूं की बिजाई भी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से परेशानी अब बढ़ गई है। लाइन में लगने के बावजूद भी खाद वक्त पर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से परेशानी ज्यादा बढ़ गई है और इसी को लेकर किसानों ने मार्ग पर जाम लगा दिया। और किसानों ने कहा कि जल्द से जल्द खाद का जो संकट है उसे दूर किया जाए, नहीं तो गेहूं की बिजाई नहीं हो पाएगी। फतेहाबाद में डीएपी खाद की समस्या को लेकर किसान सड़कों पर है। किसानों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि रतिया इलाके में लगातार खाद का संकट बना हुआ है। खाद की समस्या के चलते गेहूं की फसल की बिजाई नहीं हो पा रही। सुबह होते ही दुकानों के बाहर लाइन में लग जाते हैं, पर फिर भी खाद नहीं मिल पाती। जब तक प्रशासन की तरफ से भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक हम इस रोड को जाम रखेंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार किसानों ने रोड को जाम रखने की बात कही। आज रतिया के अंदर जो किसानों को गेहूं उगाने के लिए, जो अपनी फसल उगाने के लिए डीएपी खाद की जरूरत है, वो खाद नहीं मिल रही। जिसको सरकारी जो बैंक है, सोसाइटी है, उसके अंदर तो बिल्कुल नहीं आई। और जो प्राइवेट दुकानें हैं उनके ऊपर खाद आ रही है, और वो खाद प्राइवेट जो दुकान है वो अपने जो जानकार लोग हैं उनके साथ सेटिंग है, उनको तो दे रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनको लाइनों में लगाकर 10-10 घंटे देते हैं, और जब आधे लोगों का नंबर निकल जाता है और जो पीछे रह जाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि खाद है जो ख़त्म हो जाए, तो लोग परेशान होते हैं। लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन लाइन में लग रहे हैं, और आज जब शनिवार को आकर उस दुकान के आगे लाइन लगाई।